सदगुरु की फरियाद कर लो, मन मंगल हो जाएगा। सदगुरु को अपने घर बुला लो, भवन मंगल हो जाएगा। और सदगुरु के साथ हो लो, जीवन मंगल हो जाएगा। निवेदन, बेलोग जो शराब पीते हैं, सवाल करता हूं, क्या उनका जीवन मंगल है? मंगल नहीं, बल्कि उनका जीवन एक मजाक है। बेलोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, करता हूं, क्या उनका जीवन मंगल है? मंगल नहीं, मजाक है। सवाल करता हूं, हेलो, जो परिवार धर्म को नहीं निभाते हैं, धर्मभक्त जीवन जीते हुए भी दूसरी औरतों से संबंध रखते हैं, क्या उनका जीवन मंगल है? मैं कहूंगा मंगल नहीं, बल्कि मजाक है। आप सबसे निवेदन और गुजारिश, जीवन को मंगल नहीं, जीवन को मजाक नहीं मंगल बनाइए, जीवन को मरघट नहीं मंदिर बनाइए। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं कि जीवन का मतलब क्या। एक नौजवान से मैंने पूछा, क्या करते हो? बोला पढ़ाई करता हूं। मैंने कहा पढ़ाई क्यों करते हो? बोले नौकरी के लिए। मैंने पूछा नौकरी क्यों करना चाहते हो? बोले पैसा कमाने के लिए। मैंने पूछा पैसा क्यों कमाना चाहते हो? बोले पेट भरने के लिए। मैंने पूछा पेट क्यों भरना चाहते हो? बोले जिंदा रहने के लिए। मैंने कहा जिंदा क्यों रहना चाहते हो? बोले मालूम नहीं। हमेशा बहुत सारे लोग चूंकि आंख भाषा नहीं कर सकते इसलिए जिंदा है। हमेशा बहुत सारे लोग चूंकि सुसाइड नहीं कर सकते इसलिए जिंदा है। हम जिंदा हैं मजबूरी में, जिंदा हैं मजबूरी में, और मजबूरी का नाम सोनिया गांधी। आपके लिए बताना होगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे अनुरोध होगा, ढंग का जीवन जिए, ढोंग का जीवन ना जिए। आप सब तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों से दूर सुदूर से यहाँ पर आए हैं। एक गुजारिश, एक प्रार्थना, एक निवेदन, क्रोध को जीव का साथ ना दें। क्रोध आता है, अगर क्रोध को जीव का साथ मिल जाता है, जो क्रोध 2 मिनट में खत्म होना चाहिए वो क्रोध 2 घंटे चलता है। इसलिए सामने वाला अगर गुस्से में है आप चुप रहें, अगर सामने वाला क्रोध में उबल रहा है आप शांत रहें। बहुत थोड़ी देर फूफा करके ढीला पड़ जाएगा, थोड़ी देर वो फूफा करके ढीला पड़ जाएगा। इस मुल्क के ज्ञानियों ने कहा, भगवान महावीर ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध जहर है, क्रोध जहर है, इसे बचिए। एक पति रात में सो रहा था, रात के 12 बजे उसकी पत्नी ने उसे उठाया और उसके सामने एक गिलास दूध, लबालब दूध से भरा हुआ गिलास। पति ने कहा यार तुझे क्या हो गया? तूने कभी पानी के लिए पूछा जिंदगी में? आज अचानक ये प्रेम की
पत्नी बोली, प्रेम फिल्म को मारो गोली। वो तो अभी मैंने कैलेंडर देखा तो मालूम पड़ा आज नाग पंचमी है। अब मैंने सोचा रात में 12 बजे दूध लेके कहां जाऊं। निवेदन, आप जा रहे सो के गुस्सा भी जा रहे। अनुरोध होगा अगर आपको किसी ने कुत्ता कहा और आपने भौंकना शुरू कर दिया तो उसने गलत क्या कहा। अगर किसी आदमी ने आपको कुत्ता कहा और आपने भौंकना शुरू कर दिया तो उसने गलत क्या कहा। अनुरोध, सामने वाला अगर क्रोध में है आप शांत रहें। इसीलिए खास करके वरवधू के लिए, पति पत्नी के लिए जब फिरे होते हैं, विवाह होता है, सात फिरे होते हैं, सात वचन भरे जाते हैं, उन वरवधुओं के लिए, 21वीं सदी के वरवधू के लिए मैंने सात नए वचन बनाए, क्योंकि मुझे लगा ये पुराने हो गए। सात वचन जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा ये वचन आउट ऑफ डेट हो गए, तो फिर मैंने सात नए वचन भरे बनाए। अगर आप कहें तो कहूं 21वीं सदी के वर वधु के लिए, सोहन जी सात नए वचन मैंने बनाए। अगर आप कहें तो कहूं, बोलो बुड्ढे दादाजी कह रहे काओ, अब इनके क्या काम के। अरे कोई नौजवान कहे तो बात समझ में आती है, बुड्ढे दादाजी कह रहे काओ, नहीं कहूंगा, नौजवान कहेगा तो कहूंगा। सात वचन में से पहला वचन सप्तपति फेरे लेते हुए 21वीं सदी के वर वधू के लिए पहला वचन मैंने मनाया, तो दुल्हा दुल्हन अग्नि की साक्षी पूर्वक सात फेरे लेते हुए यह वचन आपस में दे। दुल्हा अपनी दुल्हन से कहे कि देवी भगवान, अगर कभी मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और तू अंगार बनेगी तो मैं जलधार बन जाऊंगा। पहला वचन, दूल्हा दुल्हन को यह वचन आपस में लेना चाहिए। दूल्हा कहेगा अगर कभी मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और तू अंगार बनेगी तो मैं जलधार बन जाऊंगा। ये पति पत्नी को सामंजस्य करना ही पड़ेगा, अगर ये सामंजस्य नहीं हुआ तो 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 अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। संघर्ष होगा परिवार में, तनाव होगा परिवार में, लड़ाई होगी परिवार में, कलह होगी परिवार में, क्लेश बढ़ेगा परिवार में। इसीलिए जो हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, मैं सबसे निवेदन अनुरोध करना चाहूंगा, पति पत्नी को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। अगर एक आग बने तो दूसरा पानी, अपने अपने घरों में पानी की व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग। बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा, वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है, भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है, इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश हो गई, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आपका जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें
और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, किसी जैन मुनियों से, जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं।